भारत ने बनाया कुछ ऐसा, अब ट्रेन नहीं ये चलेगा, बदल जाएगा रेलवे का पूरा नक्शा, पेट्रोल डीजल का काम खत्म। भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, हमारा भारत आए दिन एक से बढ़कर एक नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसका जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरा जापान हिल गया है, और तो और एलन मस्क के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। जब से भारत आत्मनिर्भर होकर खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, उसके बाद से ही भारत की टेक्नोलॉजी दुर्लभ टेक्नोलॉजी बनती चली जा रही है। मोदी सरकार भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ताकि भारत के वैज्ञानिक अच्छे से रिसर्च करके अमेरिका और जापान से भी बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए। और आज इसी का नतीजा है कि वैज्ञानिकों ने रेलवे सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिसको डेवलप करने के बारे में अभी अमेरिका और जापान, यहाँ तक कि एलन मस्क सोच ही रहे थे। अब ट्रेन की जगह ये चलने वाला है। सबसे खास बात तो ये है कि इसे चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भारत को कतर जैसे देशों से अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों के लिए 85% तेल खरीदना पड़ता था, इसी वजह से कतर जैसे देश अपनी अकड़ दिखाते थे। लेकिन अब कतर की दादागिरी पर लगाम लगने जा रहा है। कतर ने 8 नेवी अफसरों को फांसी की सजा देकर बहुत बुरा किया है, और इसी वक्त भारतीय वैज्ञानिकों ने कतर को सबक सिखाने के लिए भारत के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी सौंपी है कि कतर के कान खड़े हो गए हैं। अब पेट्रोल डीजल पर से हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, साथ साथ पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी, और तेल इंपोर्ट करने के लिए जो बिलियन ऑफ डॉलर विदेशों में जाते हैं, वो भारत में रहेंगे और भारत के डेवलपमेंट में काम आएंगे। और मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का यही सपना भी है। जहां एक ओर नितिन गडकरी रोड और हाईवेज को नेक्स्ट लेवल का बनाने में लगे हुए हैं, यानी फॉरेन कंट्री से भी बेहतर, वहीं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। साथ साथ भारत में कई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में ट्रेनें चल सकें, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग कंप्लीट होने वाला है। जिस रफ्तार से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से कुछ ही सालों में भारत अमेरिका और जापान से भी एडवांस कंट्री बन जाएगा। भारत का ज्यादा पैसा ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, इसलिए महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन अब भारत के इस बढ़ते कदम से बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, भारत ने बुलेट ट्रेन से भी पहले एक ऐसी ट्रेन बना ली है जो बुलेट ट्रेन से भी 5 गुना स्पीड से चलेगी। कमाल की बात तो ये है कि इसे भारत ने खुद बनाया है, यानी 100% मेड इन इंडिया है। इस ट्रेन को देखकर बुलेट ट्रेन को बनाने वाले माहिर जापान भी हिल गया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी ट्रेन है और इसे बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये ट्रेन कब तक भारत में चलेगी। दोस्तों, IIT मद्रास के छात्रों ने एक काफी बड़ा आविष्कार किया है। छात्रों ने एक ऐसी ट्रेन तैयार की है जो दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 1 घंटे से भी कम में तय कर लेगी, यानी ये ट्रेन एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। IIT मद्रास के छात्र कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और आखिरकार अब जाकर उन्हें काफी बड़ी सफलता मिली है। इन छात्रों के इस अनोखे आविष्कार के लिए मोदी ने भी बधाई दी है, साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी रीट्वीट करके खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बधाई, शानदार। दरअसल दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय में जिस हाइपरलूप पर काम कर रही हैं, लाख कोशिशें करने के बाद भी अभी तक उन्हें उतना सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमारे IIT छात्रों को तो एक काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है। ये छात्र जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो है आविष्कार हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD वाले छात्र काम कर रहे थे। आज जहां जापान सहित पूरी दुनिया 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की ओर फोकस कर रही है, वहीं हमारी IIT भारतीय रेलवे के लिए इससे भी 5 गुना तेज, यानी 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार की ट्रेन ऑलरेडी डिजाइन कर चुकी है, और अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू है। दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेगुलर व्हीकल्स में आने वाली 2 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स को दूर करती है, जिनसे व्हीकल्स की स्पीड बहुत कम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम्स हैं फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। तो इस टेक्नोलॉजी में फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम दूर होने से सुपर फास्ट स्पीड हासिल की जा सकती है। अब जानते हैं कि हाइपरलूप दिखते कैसे हैं। दरअसल हाइपरलूप में एक लंबी वैक्यूम ट्यूब होती है और कैप्सूल जैसे कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें पॉड कहा जाता है। ये पॉड वैक्यूम ट्यूब के अंदर हाई स्पीड से चलते हैं। इन ट्यूब को लूप कहा जाता है, और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट लूप में ही होता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। इन ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम जैसा एनवायरमेंट तैयार किया जाता है। वैक्यूम यानी निर्वात, ऐसी सिचुएशन
सेक्शन जिसमें हवा ना हो। और इस टेक्नोलॉजी की यही तो अनोखी बात है कि जिस वैक्यूम ट्यूब में फोर्ड में बैठकर आप सफर करेंगे उसमें बहुत ही कम हवा होगी, यानी ट्यूब के अंदर से लगभग 90% एयर बाहर निकाल दी जाती है जिससे एयर का फ्रिक्शन कम हो जाता है। हालांकि 10% एयर इस ट्यूब में इसलिए छोड़ दिया जाता है जिससे पोर्ट पर ब्रेक लगाया जा सके। लगभग फ्रिक्शन लेस होने की वजह से हाइपरलूप की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हाइपरलूप को फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। आखिर ये काम कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकें इसके लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक बहुत लंबी ट्यूब यूज की जाती है जो पिलर्स पर टिकी होती है। इस ट्यूब में छोटे छोटे पोर्ट्स इंडिविजुअल ट्रेवल करते हैं और इन पोर्ट्स में बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन या प्लेन में बैठ करके पहुंचते हैं। हाइपरलूप में दो तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, मैग्नेटिक लिविटेशन यानी कि चुंबकीय उत्तोलन और एयर प्रेशर। इनकी वजह से पॉड और ट्यूब के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता जिससे पॉड की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि मैगलेव ट्रेन की स्पीड को भी बहुत पीछे छोड़ देती है। और आप ये सुनकर के चौंक जाएंगे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पीड 760 एमपीएच यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होती है और इसी स्पीड से तो साउंड चलता है। इसका मतलब साउंड की स्पीड से चलने वाला ये हाइपरलूप अभी तक की सुपर फास्ट स्पीड को अचीव करने का दम रखता है। और कमाल की बात यह भी है कि वैक्यूम ट्यूब में चलने वाले पोर्ट पर दो फोर्सेज लगते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और एयर फोर्स, जो न केवल पोर्ट को वैक्यूम ट्यूब में आगे बढ़ाते हैं बल्कि हवा में भी उठा देते हैं। हाइपरलूप को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक ट्रेन में मैग्नेट के सहारे ट्रेन अपने ट्रैक पर चलती है जिससे ट्रेन और पटरी के बीच में फ्रिक्शन कम होता है जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हाइपरलूप एक ऐसी एडवांस मैगलेव ट्रेन है जिसे वैक्यूम ट्यूब में चलाया जाएगा। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हाइपरलूप को चलाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत नहीं है जिससे पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। कतर जैसे देशों को बड़ा सबक सिखाया जा सकेगा। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, साथ साथ समय की भी बचत होगी। सबसे खास बात तो ये है कि एक्सीडेंटल इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को पहली बार टेस्ला के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सबसे पहले IIT मद्रास के छात्रों ने करके दिखा दिया है। अगर हम स्पीड के साथ बढ़ते रहे तो अगले 10 साल के भीतर यह हाइपरलूप ट्रेन हमारे देश में दौड़ना शुरू हो जाएगी। हाइपरलूप तकनीक पर काम करने के लिए मंत्रालय ने IIT मद्रास की टीम को 8.34 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी और इसी फंडिंग का यूज करके आज हमें बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।